कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर किसान अड़े हैं और जिद पर अड़े किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया और साथ ही साथ किसान अपनी मांगें पूरी कराने के लिए भूख हड़ताल भी यहां पर कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हर संगठन से एक एक नेता अनशन पर बैठा, किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहीं आंदोलन की रणनीति पर लगातार चर्चा हो रही है। इस विषय पर किसान नेता से बात की हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है, किसान लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को और तेज किया जाए। मैं सिंगू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, लगातार बैठक का दौर जारी है, किसान बैठक कर रहे हैं। कल भी यहाँ पर 4 सूत्रीय मांगों को तैयार किया गया था और आज बैठक की जा रही है कि आखिरकार जो भूख हड़ताल की जानी है उसमें कौन कौन शामिल होगा। हालांकि किसानों से कहा गया है जो भी भूख हड़ताल करना चाहे वो कर सकता है। इसी तरीके से सामने एक पुतला भी बनाया गया है, पुतला बनाकर एक रोड जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जगह जगह बैनर लगाए गए हैं, लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। एरिया की बात की जाए तो एरिया को एक बार फिर से बनाया गया है, देखा गया था बॉर्डर पहले नरेला के उस तरफ किसान बड़ी संख्या में एकत्र थे, लेकिन नरेला चौक पर भी किसान पहुंच चुके, फिर उसके बाद धीरे धीरे और एरिया को बढ़ाया गया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है किसान अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और ट्रॉलियों के जरिए ही यहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। किसान नेता भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं, आखिरकार किस तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल भी लगता नहीं है सरकार का दबाव बनना है। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब सूबा जनरल सरवण सिंह पंडित। देखिए, लोकतंत्र में एक तरीकेकार है, ठीक है जी, अपनी अपनी बात मनवाने का, दिल्ली घेरने का, रेल जाम करने का और आने का सवाल नहीं है, तो पूरे देश को एक साथ लाने के लिए तो ये सत्याग्रह का भी एक तरीकेकार है। प्रधानमंत्री जी आपके माध्यम से हमारी बात मान ले, तो ये अपनी बात को लोगों तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए बड़ा पीसफुली तरीके से ये प्रोटेस्ट है, तो ये भी कर रहे हैं। देखिए, क्या गांधीगिरी से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, गांधी के कदमों पर शांतिप्रिय तरीके से इसी प्रकार के उग्र होने की संभावना है? देखिए, कभी भी आंदोलन उग्र नहीं होता, सरकार उग्र होती है तभी। देखिए, हम जाकर दिल्ली में एंटर कर रहे हैं तो सरकार पाबंदियां लगा रही है, अब बात सरकार नहीं मान रही, उग्र जब भी होगी सरकार होगी, हम शांत में से उनके गोलियां देते हैं, आंदोलन कभी उग्र नहीं होगा। हाँ, उसके तरीकाकार है, भगत सिंह का भी हो सकता, गांधी जी का भी हो सकता, सबका हो सकता, तो जो भी आंदोलन के में तरीके कर हम अपना सकते हैं अपनी बात कहने के लिए, सो इससे आगे और भी अपनाएंगे, पर रहेगा अपना पीसफुल। आज अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि 14 तारीख 14 दिसंबर जो कि भूख हड़ताल के लिए तय किया गया था। अगर सिंगू बॉर्डर की बात की जाए तो क्या आप तो सिंगू बॉर्डर पर हैं और नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का, ऐसे में कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं? देखिए, ये सिंगू कुंडली बॉर्डर कहने के बाद जो दिल्ली के अंदर मोर्चा, ये पहला मोर्चा जो दिल्ली के अंदर चल रहा, तो यहाँ हम 11 किसान सिंबॉलिक तौर पर भूख हड़ताल पर बैठा रहे हैं। एक पुतला भी बनाया गया, हम देख पा रहे हैं कि सामने एक पुतला बनाया गया है, पुतले के जरिए क्या विरोध करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नौजवानों की तौर से हमें ऑप्शन आई थी, हम पुतला बना के वहाँ अपनी जो रोसा प्रोडक्ट करना चाहते, हमने क्या बना लिया, तो पुतला बना के ये भी एक आंदोलन में अपना रोष जाहिर करने का तरीकेकार है, तो मोदी जी का पुतला बना के विरोध कर रहे हैं। एक जानकारी और मिल पा रही है कि पंजाब में किसान युवाओं से अपील की जा रही है कि हर गांव से किसान युवा आएं और बॉर्डर पर पहुंचे, क्या लगता है बॉर्डर पर युवा पहुंच रहे हैं और कितनी पहुंचने की अभी संभावना है? देखिए, हम यहां 29 को पहुंचे थे तब, और दूसरा हमारा बड़ा जत्था यहाँ 2 दिन पहले, तो लाखों के लोग हमारे साथ आए, देखिए 2-2 किलोमीटर ट्रॉली, तो इतने लोग आ रहे हैं, फिर उसको अब हमें स्टेज बड़ी करनी, तो जो आ रहे हैं तो इतने आ रहे हैं भी उसको संभालना भी मुश्किल हो रहा, तो आने की कोई कमी नहीं, जो हमारा साथ मिल रहा वो बहुत व्यापक पर लगता नहीं है। आंदोलन अभी थोड़ा कमजोर पड़ता दिख रहा है क्योंकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर खोल दिया गया, ऐसे में कुछ यूनियन सरकार की बातों में विश्वास में जरूर आई है, उन्होंने कहा सरकार ने आश्वासन दिया है तो मांगे पूरी हो सकती है, लगता है ऐसी बात नहीं, वो ये भी तरीकेकार है, अभी कहाँ से लोगों की समस्याओं का भी ध्यान रखे, चलो थोड़ा सा उधर खोल दे, जयपुर का बंद हो गया तो इसे करेंगे, किसी से थोड़ा खोल दिया, किसी से चालू कर दिया, तो लोगों का भी सांस निकलता रहे, पर इस तरह की कोई दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद करने का बिल वो हो गया कल ही हुआ, तो वो
वो जो अपना जो मतलब आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है, आंदोलन में कोई कमजोरी नहीं आ रही है, ऐसी बात नहीं। कमजोर जो यूनियंस हैं वो यूनियन नहीं है, सरकारों के लिए कुछ आदमियों को खड़ा करके यूनियन बता देना कोई बड़ी बात नहीं होती, पहले भी होता था अब भी चलेगा। उनको लगता है भी इस तरह से करने के जो आंदोलन आगे बढ़ रहा उसको हम रोकने में काम कहना चाह रहे हैं। आप फर्जी संगठन तैयार करने का एक सरकार का नीति है जी, तो सभी सरकारों में तो अलग अलग तरीके से जो थे वो संगठन जो उनकी इलेक्शन भी लड़ते सपोर्ट भी करते रहे, तो उनको अब वो हमायतियों को खड़ा कर रहे हैं, असल में वो यूनियन है नहीं। तो ऐसे में किसान लीडरों का एक बड़ा आरोप है कि सरकार संगठन को दबाना चाहती है, फर्जी संगठन को तैयार खड़ा किया जा रहा है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में बड़ा दबाव बनाने का सरकार पर प्रयास किसान करते नजर आ रहे हैं और लगातार आंदोलन जारी है। ऐसे में आज हड़ताल पर भी किसान बैठे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी बात सुन पाती है। कमिश्नर हरिचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।